हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एचटीएमएल। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको एचटीएमएल के अंदर फॉन्ट एट्रीब्यूट के सारे कमांड बता चुके हैं। आज हम लेकर आए हेडिंग एलिमेंट। उसमें देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने नोटपैड ओपन किया, और जैसे आपने नोटपैड ओपन किया, देखिए यहाँ पे हमारा एचटीएमएल लिखा आ रहा है। और ये जो एचटीएमएल लिखा मैंने, इसमें आज आपको हम हेडिंग बताएंगे। देखो, मैं जैसे कि मैंने बोला था कि बॉडी बीजी कलर तो लिखना कंपलसरी होता है, तो मैंने यहाँ पे बॉडी बीजी कलर ग्रे कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज कर दिया, जैसे 5, एंड साथ में मैं कलर भी लिख सकता हूँ। कलर मैंने कर दिया येलो, एंड यहाँ पे मैंने पी अलाइन करके ये जो हमारा पैराग्राफ है उसका मैंने नाम लिख दिया, जैसे कि सबसे पहले मैंने सेंटर लिख दिया यहाँ पे हमारा पैराग्राफ हेडिंग हेडिंग एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लॉक कर दिया। अब मैंने उसमें आपको बताया था कि एचआर का यूज़ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो पी अलाइन करके, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ ये देखिए पी अलाइन करके मैंने हेडिंग लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 1। H1 का मतलब होता है हेडिंग 1। तो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ, हेडिंग 1। तो मैंने इसी तरीके से H1 मैंने लॉक कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 2। मैंने यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके आप उसमें फिर एडिट कर सकते हैं, हेडिंग 2। तो यहाँ पे हेडिंग 2 लिख दीजिए, हेडिंग 2। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके और भी ले सकते हो, Ctrl+C देन Ctrl+V। देखिए एक बार हो गया 2, अब यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे भी मैंने कर दिया 4। आप लिख के भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। एक्चुअली कॉपी पेस्ट कमांड ही इसलिए बनाया गया है ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने कर दिया हेडिंग 5, फिर मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर दिया हेडिंग 6, और मैं इसके वर्ड में भी मैंने चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे 2 के बाद 3 लिखना है। फिर मैंने 3 के बाद 4 के बाद 5, एंड यहाँ पे लास्ट 6। मैंने यहाँ पे लास्ट इसलिए बताया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारा जो 6 है, 6 के बाद और कोई हेडिंग होता ही नहीं है। तो मैं पहले इसको आपको सेव करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, हमारे हेडिंग से बना क्या है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा कोडिंग है। अब देखिए मैंने यहाँ से सेव किया, मैं डेस्कटॉप में सेव करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपल हेडिंग .html, फिर मैंने कर दिया सेव, सिंपल है ना, html.save। देखिए अब मैंने जैसे इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ हेडिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये हेडिंग एलिमेंट है हमारा। हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है साइज, हेडिंग 2 उससे छोटा होता है, हेडिंग 3 उससे छोटा होता है, हेडिंग 4 उससे छोटा है, हेडिंग 5 उससे छोटा, और हेडिंग 6 सबसे छोटा। आप कहोगे सर हेडिंग 7 भी डाल देते हैं, तो मैं आपको डाल के यहाँ पे दिखाता हूँ। एक्चुअली हेडिंग 7 मैंने लिख दिया, देखिए हेडिंग 7, और यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। अब मैं देखो इसको सेव करके भी दिखाता हूँ, वो नहीं पकड़ेगा, हेडिंग 6 तक ही होता है। देखिए मैंने F5 किया, ये देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली नॉर्मल फॉन्ट आ गया, क्योंकि हेडिंग 6 तक ही होता है। और हेडिंग का जो यूज़ होता है वो आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, वो अगले टॉपिक में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक हमारा हेडिंग एलिमेंट था, और हेडिंग ये सिंपल इस तरीके से हम यहाँ पे हम बनाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ इस हेडिंग के आगे के ट्यूटोरियल के साथ मिलता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।